मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में आया, वचन कहता है उसे अपनों ने नहीं पहचाना। जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद वो यीशु घोड़े पर सवार नहीं था और शायद उसके हाथों में तलवार नहीं थी। वचन कहता है वो तो नम्र और दीन था, वो तो नम्र और दीन था, वो तो तरस से भरा था, इसलिए लोगों ने उसे पहचाना नहीं। वो सोचते थे कि परमेश्वर जब संसार में आएगा उसके सर पर एक ताज होगा, उसके पास एक रथ होगा, उसके पास एक बड़ा राज्य होगा। लेकिन यीशु ऐसा नहीं था। उसने अपनी सवारी के लिए शेर को नहीं चुना, उसने अपनी सवारी के लिए रथों को नहीं चुना, लेकिन उसने अपनी सवारी के लिए संसार के सबसे नम्र स्वभाव के जानवर को चुना। हम जानते हैं उसने गधे के बच्चे को चुना। वो नम्र था और दीन था, वचन कहता है, इसलिए उसे लोगों ने पहचाना नहीं। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह जकई के घर आए, हम जानते हैं जकई एक प्रभावशाली व्यक्ति था और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु कैसा है जिसके विषय में लोग चर्चा कर रहे हैं, जो मुर्दों को जीवन देता है, जो अंधों को आंखें देता है, वो कैसा दिखता है, एक जिज्ञासा है उस यीशु मसीह को देखने की। क्या वो लंबा है, क्या वो नाटा है, क्या उसके बाल बड़े हैं, वो दिखता कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं। आपको बताना चाहता हूं यीशु कोई साधारण शब्द नहीं है, यीशु कोई साधारण नाम नहीं है। जब यीशु मसीह निकलते थे, जब यीशु मसीह सभाओं के लिए जाते थे, हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे। इसलिए वचन में लिखा है ये जकई यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। लेकिन तब एक बड़ा चमत्कार हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ। यीशु ने जकई को नाम लेकर बुलाया, उसने कहा जकई आज मैं तेरे साथ तेरे घर चलूंगा, और ना केवल इतना, आज मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। हम वचन पढ़ते हैं, एक अद्भुत कार्य लिखा है। जकई ने खड़े होकर कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना वापस करता हूं। वचन कहता है तब यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह आपको ईसाई बनाने नहीं आया है, यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया है। अगर आप यूहन्ना की पत्री उसका 10 अध्याय और 10 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है वो हमें जीवन देने के लिए आया है। He has come to give us life and life with abundance, fullness. लेकिन ये जीवन कैसे मिलेगा, ये जीवन कैसे मिलेगा? हम सोचते हैं कि धर्म के कामों से हमें जीवन मिल जाएगा। दर्शन शास्त्र कहता है ना योगेन ना सांख्येन खर्मणा नोना विधाया ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धते नान्यथा। दर्शन शास्त्र कहता है कि ना योगा करने से और ना माला जपने से और ना प्राचीनों के आगे माथा टेकने से और ना नदियों में स्नान करने से और ना जीव जंतुओं को भोजन कराने से और ना मनुष्य के किसी प्रयास से मोक्ष मिलता है, उद्धार मिलता है परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की अनुग्रह से, देवानुग्रह हेतुक्रम उस परमेश्वर की दया से मनुष्य उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उद्धार क्या है, व्हाट इज सल्वेशन? यीशु मसीह संसार में क्यों आया? वचन कहता है अगर हम सारे जगत को प्राप्त कर लें और अपने प्राणों की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ होगा। सन 2016 में 8 नवंबर को जब भारत देश में नोटबंदी हुई, मैंने एक किस्सा पढ़ा। एक धनवान व्यक्ति जिसके पास बहुत सा धन था, बहुत सा धन था, जब उसने सुना कि यह धन अब बेकार हो गया है, अब यह धन मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, उसे हार्ट अटैक आ गया। उसके 3 बेटों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पहला दिन निकल गया, उस धनवान व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, क्या उस धन के विषय में कोई परिणाम निकला, क्या हमारा धन बच सकता है? बेटे ने कहा, पिताजी अभी कोई परिणाम नहीं निकला, शायद हमारी ये संपत्ति, हमारा ये धन नष्ट हो गया है,
दूसरा दिन आया, उस व्यक्ति ने पूछा, क्या हमारे उस धन को बचाया जा सकता है? बेटों ने कहा, पिताजी हम कुछ नहीं कर सकते। और तीसरा दिन भी आया, क्या वो धन बच सकता है? बेटों ने कहा, हमें कोई उम्मीद नहीं है। और इस ना उम्मीदी के साथ वो व्यक्ति उस हॉस्पिटल में मर गया। वचन कहता है, क्या लाभ कि तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो और अपने प्राण और अपने आत्मा की, अपने शरीर की, अपने जीवन की हानि उठाओ, क्या लाभ? यीशु मसीह संसार में क्यों आया? वचन कहता है, जकई के पास बहुत सा धन था, उसके पास नाम था, उसके पास शोहरत थी, उसके पास बड़े बड़े अधिकार थे, लेकिन जो नहीं था वो था उद्धार, जो नहीं था वो था पापों की क्षमा। जब उसने अपने पापों को मान लिया, वचन कहता है, बाइबल कहती है कि उसने उन्हें क्षमा कर दिया। धन है वे जिसके अधर्म क्षमा हुआ, और धन है वे जिनके पाप ठापे गए। धन है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। मेरे प्रियो, अपने जीवन के विषय में सोचिए। एक दिन मुझे और आपको इस संसार से जाना है। हमें एक दिन इस संसार से जाना है। हम इस संसार में सदा के लिए नहीं है। शायद कल हम इस संसार में ना हो, शायद परसों हम इस संसार में ना हो, आप कहां होंगे? सोचिए, क्या ये धन संपत्ति, ये नाम, ये शोहरत, ये ताकत, ये सब कुछ हमारे प्राणों की रक्षा कर सकती है? कदापि नहीं। आपको इस संसार से जाना है। आई वॉज रीडिंग अबाउट मर्लिन मैंड्रो अमेरिका की एक बहुत सुंदर अभिनेत्री थी। कहा जाता है कि पृथ्वी पर ये सबसे खूबसूरत महिला थी। चूंकि एक अभिनेत्री थी, हजारों लाखों लोग उसे पसंद करते थे। लोग उससे मिलने के लिए आते थे, उसे बड़े बड़े समारोह में बुलाया जाता था। एक दिन मर्लिन मैंड्रो को अमेरिका के राष्ट्रपति के राजभवन में बुलाया गया एक बड़े कार्यक्रम के लिए। मर्लिन वहां पर गए, उसने लोगों का मनोरंजन किया, और मनोरंजन के बाद वो अपने होटल रूम में चली गई। दूसरे दिन लोग उसे लेने के लिए आए, उसे दूसरे शहर जाना था। दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन मर्लिन मैंड्रो ने दरवाजा नहीं खोला। लोग डर गए, ये क्या हुआ? लोगों ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस ऑफिसर्स अंदर गए, उन्होंने देखा कि मर्लिन मैंड्रो ने आत्महत्या कर ली। She committed suicide. इससे पहले कि मर्लिन मैंड्रो इस संसार को छोड़कर जाती, उसने एक पत्र लिखा। उसने कहा, मेरे पास धन है, संपत्ति है, नाम है, ख्याति है, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा जीवन अकेला है। मेरे प्रियो, बिल्कुल मर्लिन मैंड्रो के समान, बिल्कुल स्टीव जॉब्स के समान, शायद हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु नहीं है, तो हम निश्चित अकेले हैं, हम टूटे और बिखरे हुए हैं। पास्कल, एक ग्रेट साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, हर एक व्यक्ति के मन में, उसके हृदय में एक खाली स्थान है, एक खाली स्थान है, और वो खाली स्थान न धन से, न नाम से, न शौहरत से, और न संसार की किसी भी चीज से भरा जा सकता है। वो खाली स्थान केवल परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भरा जा सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। मेरे प्रियो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास प्रभु यीशु नहीं है, आपके पास शांति नहीं है, आपके पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। आपने देखा है, जब एक फुटबॉल प्लेयर ऐसे ही एक मैदान में फुटबॉल को लेकर दौड़ता है, वो कहां दौड़ता है? वो उस बॉल को लेकर एक गोल पोस्ट की तरफ, उस निशाने की ओर दौड़ता है जहां पर उसे उस बॉल को डालना है। एक लक्ष्य। अगर वो गोल पोस्ट वहां पर ना हो, अगर वो लक्ष्य वहां पर ना हो, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो कहां तक दौड़ेगा?
उसके दौड़ने की दिशा क्या होगी, उसके दौड़ने का लक्ष्य क्या होगा। बिल्कुल इसी समान, बिल्कुल इसी समान, अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु नहीं तो हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। हम कहां दौड़ रहे हैं, हम कहां पहुंचेंगे शायद नहीं पता। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। हम शायद भूल कर रहे हैं, हम शायद भूल कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहता हूं। वचन कहता है पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें पापों से क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, उसने उस खतरनाक मृत्यु को, उस भयंकर पीड़ा को क्यों उठाया? इसलिए कि आपके अधर्म और आपके पाप मिटाए जाएं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। वचन कहता है अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, वह लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22:12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक काम का प्रतिफल और बदला देने का प्रतिफल मेरे पास है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम हूं। धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य है वो जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जो अपने अधर्म और अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। उस दिन जकई बुद्धिमान निकला, उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखा और वो समझ गया कि मेरा धन, मेरी ताकत, मेरा ऐश्वर्य, ये सब कुछ व्यर्थ है। और वो प्रभु के पैरों में गिर गया और उसने कहा प्रभु आज आज मैं अपनी गलती को मानता हूं, आज मैं अपने धर्म को मान लेता हूं। यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, आज इस घर में उद्धार आया है। वचन कहता है प्रेरितों के काम 3:19, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं। वचन कहता है पहला पत्रस उसका 4:8, प्रेम पापों को ढक देता है। प्रेम पापों को ढक देता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, आइए हम वचन से देखते हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 3 को देखें और 21 को देखें, यह लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए और उनको पहना दिया। इस सिद्धांत को जरा ध्यान से सुनिए, ये सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में है, जब आदम और अव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते थे और वहां कोई डर नहीं था, वहां कोई भय नहीं था और ना आदम और अव्वा ने कोई कपड़े पहने हुए थे। शायद एक विशेष प्रकाश परमेश्वर का तेज उन्हें घेरे रहता हो, यह अद्भुत होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, वचन कहता है 3:8 और उसके 8 में कि आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए। ये पहले कभी नहीं हुआ, आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए और डरने लगे। ये कल तक तो नहीं था, कल तक तो आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ संगति करते होंगे, शायद आदम और हव्वा दौड़कर परमेश्वर को पकड़ लेते होंगे। ये कितना अद्भुत होगा, ये कितना सुंदर होगा, सृष्टि और सृष्टिकर्ता के मध्य एक संबंध, बिल्कुल एक माँ के समान, एक पिता के समान, जब उन्हें उनके बच्चे देखते हैं उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, वो डर गए और छिप गए क्योंकि वहां पर पाप आ गया था, अंधकार आ गया था, झूठ आ गया था। परमेश्वर ने उनकी दशा को देखा, परमेश्वर ने विलाप किया, उसका हृदय टूट गया, उससे कहा अरे तुमने वो फल खाया जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था। आदम और हव्वा नंगे हो गए,
परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने और डरने लगे। तब क्या हुआ? वचन कहता है यहोवा परमेश्वर एक निष्कलंक मेमने को वध किया, निष्कलंक मेमने का वध किया और उसके चमड़े से, ध्यान से सुनिए, उसके चमड़े से आदम और हव्वा की नंगता को ढक दिया। परमेश्वर ने निष्कलंक मेमने के चमड़े से आदम और हव्वा की नंगता को ढका। वचन कहता है कि प्रेम पापों को ढक देता है, प्रेम पापों को ढक देता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की नंगता को ढका। आप जानते हैं कैसे? वो निष्कलंक मेमना कौन था? वो निष्कलंक मेमना कौन था? वो निष्कलंक मेमना कोई और नहीं, आपका प्रभु यीशु मसीह था। बाइबल कहती है हमने जब अपना अपना मार्ग ले लिया, हम भटक गए, हम गिर गए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम नंगे हो गए। ठीक उसी समय वचन कहता है जब हम पापी ही थे, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे अधर्मों के लिए मारा गया। उसने उस क्रूस के महत्व, उस बड़े बलिदान को सह लिया। आप जानते हैं इस संसार में बहुत से लोग हैं जो पाप की परिभाषा को नहीं जानते, पाप की परिभाषा को नहीं जानते। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं, साधु सुंदर सिंह जी। हम जानते हैं ये नाम पंजाब की धरती में एक महत्वपूर्ण नाम है, आदरणीय साधु सुंदर सिंह जी। एक बार साधु सुंदर सिंह जी एक बड़े जलाशय जलधारा में स्नान कर रहे थे। हजारों टन पानी उस झरने से बहते हुए उनके ऊपर गिर रहा था। अद्भुत स्नान के दौरान उन्हें एक बात स्मरण आई, क्यों ना मैं थोड़ा सा जल अपने घर ले चलूं, क्योंकि इस जलधारा का जल बहुत मीठा और ठंडा है। और ये सोचकर उन्होंने उस मटके में जल को भर लिया और अपने कंधे पर रखकर अपने घर की तरफ चलने लगे। जब वो मार्ग में थे उन्हें थकान का अनुभव हुआ और उन्होंने उस मटके को नीचे उतार दिया। और जब उन्हें आराम मिला, उन्हें चैन मिला, उन्होंने उस मटके को वापस अपने कंधे पर रखा और अपने मार्ग की तरफ चलने लगे। फिर थक गए और फिर उन्होंने उस मटके को नीचे रखा। जब कई बार वो ऐसा कर चुके, पवित्र आत्मा ने साधु सुंदर सिंह से पूछा, साधु सुंदर सिंह अभी तो तुम जलधारा में स्नान कर रहे थे, हजारों टन पानी तुम्हारे ऊपर था, तुम तो जलाशय में गोते ले रहे थे और तुम्हारे ऊपर झरनों से पानी गिर रहा था, तब तुम्हें थकान और दर्द का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा जल अपने कंधे पर रखकर चल रहे हो तुम थक जाते हो, ऐसा क्यों? मेरे प्रियो ये अद्भुत है, जब तक मैं और आप पाप में तैरते रहेंगे हमें पाप का बोझ कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वही पाप मटके रूपी प्रभु यीशु मसीह के रूप में इकट्ठा किया जाए, आपको पता चलेगा कि आपका पाप वास्तव में कितना भारी है, कितना भारी है। आप अपने पापों को लेकर चल नहीं सकते। जिस समय यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया था, वो क्रूस कुछ और नहीं था, वो आपके और मेरे पापों की कीमत थी, मेरे और आपके अधर्म का बोझ था जो यीशु मसीह के ऊपर लादा गया। यीशु आपको ईसाई बनाने नहीं आया, परमेश्वर को इसमें कोई रुचि नहीं कि आप ईसाई बन जाएं, परमेश्वर को इस बात में रुचि है कि आपके अधर्म, आपके पाप क्षमा हो और आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो, ताकि जब आप इस संसार से जाएं आप उस राज्य में प्रवेश करें जो युगानुयुग का है। मेरे प्रियो क्रूस एक भयानक शब्द, प्राचीन काल में इस शब्द पर कोई बातचीत नहीं करता था। क्रूस एक गंदी गाली हुआ करती थी, क्रूस एक भयानक शब्द हुआ करता था, कोई क्रूस के विषय में सोचता भी नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाता था, यह खतरनाक था, इसलिए लोग क्रूस से छिपते और डरते थे, कोई क्रूस के विषय में बात नहीं करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन
प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यह अद्भुत था, उससे पहले भी हजारों लोग क्रूस पर कुर्बान हुए, क्रूस पर मारे गए, हजारों लोगों को क्रूस पर यातना दी गई, उन्हें तड़पाया गया, हजारों लोगों को रोमी सरकार के द्वारा क्रूस पर भयानक मृत्यु दी गई। इसलिए क्रूस एक बहुत ही गंदा शब्द था, लेकिन एक दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, जो सबसे गंदा था, जो सबसे घृणित था, वो आज इस संसार का उद्धार का शब्द है। आप कल्पना कीजिए कि वो यीशु मसीह अगर लकड़ी के जीवन को बदल सकता है तो वो आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेगा। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन को बदलने आया हूं। I have come to change your life, life with love and peace. मैं तुम्हें आशा देने आया हूं। इसलिए वचन कहता है उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारा बोझ उठाया, उसने हमारे आंसुओं को पोंछा, उसने अपने लहू से हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। वचन में कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिखा है। मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं। जब मैं अपनी पत्नी अर्थात दीप्ति, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, कई बार हम हथेली पर एक दूसरे का नाम लिख लेते थे, लेकिन ये निश्चित था कि घर जाने से पहले वो नाम मिटा दिया जाए ताकि माता पिता उस नाम को ना देख ले। बाइबल कहती है मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, मैं इसे कभी नहीं मिटाऊंगा। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। मनुष्य आपको भूल सकता है, मनुष्य आपके नाम को मिटा सकता है। जो मनुष्य आपको देता है वो आपसे वापस लिया जा सकता है। मनुष्य आपको ऊंचे पद पर बैठाएगा, मनुष्य आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देगा, मनुष्य आपको प्रधानमंत्री बना देगा, वही मनुष्य आपको नीचे उतार देगा, मनुष्य आपको महिमा देगा और वही मनुष्य आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है जो परमेश्वर देगा वो तुमसे कभी वापस नहीं लिया जाएगा। जो परमेश्वर देगा वो अनंत काल के लिए देगा। उसने कहा है मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और उसने हमें युगानुयुग का जीवन दिया है, वो हमसे कभी वापस नहीं लेगा। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो अनंत जीवन दे दिया है। मेरे प्रियो, एक ही आशा है, एक ही आशा है। आज शाम जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे नहीं मालूम आपकी आवश्यकताएं क्या है। क्या आप बीमारी के लिए प्रार्थना कराने आए हैं? क्या आप संसार की तमाम चीजों के लिए प्रार्थना कराने आए हैं? लेकिन मैं आपको एक चीज देना चाहता हूं। I want to give you one thing. एक चीज मैं आपको इस स्थान से देकर भेजूंगा और वो है अनंत की आशा। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु जाने। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराए। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु से सरकारी में कुछ पर देख रहे हैं। मुंबई से मिस्टर अरविंद पिंटो, उनकी पत्नी क्रिस्टबल पिंटो ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से इस परिवार को ब्लेस करते हैं। साथ ही हम इनकी कंपनी डेटा सॉफ्ट और रॉक कनेक्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह इन दोनों ही कंपनियों पर बना रहे और ये कंपनियां प्रभु में फलवंत हो, आशीषित हो और बहुतों के लिए ब्लेसिंग हो। हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिस्टर पिंटो के परिवार के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रबंध इस परिवार पर हमेशा बना रहे। हम धन्यवाद के साथ इस परिवार को, इन दोनों कंपनियों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए। अगर आप कोई प्रार्थना का विषय है आप हमें जरूर ईमेल पर लिखें, हम आपके लिए निश्चित प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश की शांति के लिए, उन्नति के लिए, तमाम बेरोजगारों के लिए, तमाम बेरोजगारों के लिए और परिवारों के लिए। आइए इन सब बातों को हम प्रभु के हाथों में रखें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ विशेष रूप से मिस्टर पिंटो और उनकी पत्नी के लिए, इस परिवार के लिए। पिता, इन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमारी सहायता की। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से
भाई पिंटो को, उनके परिवार को और उनकी दोनों कंपनी को, डेटा सॉफ्ट को और कनेक्ट को पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रबंध इन दोनों ही कंपनियों को, इनके परिवार में हमेशा बना रहे और ये परिवार हमेशा अपनी उन्नति के लिए आशीषित हो। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश पर आपकी शांति हो पिता, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सारे पुलिस ऑफिसर्स और हमारे तमाम वो लोग जो इस देश का संचालन करें, उनके उनके परिवारों पर आपका अनुग्रह बना रहे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, अगर कोई बीमार है, कोई निराश है पिता परमेश्वर, किसी ऐसी अवस्था में परिस्थिति में पिता संघर्ष कर रहा है, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारे लिए काफी है। आप अपने हाथ को बढ़ाए, ब्लेस करें, आशीष दें, संभाले पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं परिवारों की शांति के लिए पिता, पति पत्नी के बीच में अगर कोई लड़ाई, मनमुटाव पिता परमेश्वर, तमाम ऐसे परिवार जो टूटे हैं, भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में पिता परमेश्वर, ऐसे सारे पारिवारिक संघर्ष हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी शांति अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम बेरोजगारों के लिए पिता परमेश्वर, आप तमाम वो लोग जो अपने जीवन में आशीष ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर, समाधान ढूंढ रहे हैं पिता, हम जानते हैं आशीष और समाधान आप ही के द्वारा है पिता। आप अपने हाथ को बढ़ाएं और अपने बच्चों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी हमारे देश पर आपकी शांति और आपका अनुग्रह हो। इन सब बातों को आपके चरणों में रखते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आपकी कोई प्रार्थना का विषय है आप हमें जरूर लिखें। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप हमें जरूर लिखें या हमें फोन करें। हम विश्वास करते हैं कि आपका सहयोग और हमारा परिश्रम हमारे देश के लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।